युम्ना और वहाज के बारे में कुछ आप बताएंगी, बहुत ऐसी प्यारे, चीज जो डिफरेंट हो, जो उनके फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगे, कोई बहुत प्यारे वाक्या बच्चे हैं। कोई मतलब वैसे भी चीज। ओवरऑल अपने सारे जितने बच्चे हमारे यंग बच्चे हैं, लोगों को शिकायतें होती हैं, कोई देर में आता है, कोई किसी का बिहेवियर शायद एरोगेंट होता है, हमें तो नहीं होता। हमारे तो बच्चे पाँव दबा रहे होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं तो किसी को चैलेंज ही नहीं देती कि बेटे तुम क्यों इतनी देर में आए या तुम्हें बड़े अफसोस की। पर नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। मेरे से कोई बच्चे नहीं डरते। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं, आपा हम पहले दफ़ा आपके साथ काम करे थे, पिछले किसी प्रोजेक्ट की बात करें, हमने कहा पता नहीं आप भी फलानी आपा की तरह होंगे। मैं कह नहीं बेटा, मेरा ये जॉब नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आप कितने बजे आएंगे और कितने बजे क्यों नहीं आएंगे। नो, मेरा इतने बजे आने का टाइम था। तो खैर, युमना वहाज बड़े अच्छे सुलझे हुए बच्चे और अपने काम में बहसते भी बहुत हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट बनाए, बेहतर किया जाए। एक्टर्स तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और माशाल्लाह वहाज माशाल्लाह का तो से। आजकल मैंने उसको मैसेज किया था, मज़े आ रहे हैं। कहता जी, मैं कहा बीवी तो नहीं घबरा गई? कहते नहीं, वो तो नहीं घबराई, मैं घबरा गया हूँ, मम्मी बड़ी खुश है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा बेटे बस इसका मज़ा लो, अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसा वक्त नहीं सही देते, बात है। और जितना भी वक्त है वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, मुर्तसिमी है वो। बिल्कुल है तमीज़ वाला बच्चा। और युमना मिठाई है, और हमारी सबीना भी बड़ी मज़े की, वो बहुत तो इतनी अच्छी। मज़ेदार है, लड़ पड़ेगी, मैं क्यों हाँ करूँ ये सीन है, मैं इसके अच्छा, बिस्तर में नहीं लेटूंगी, ये कोई तरीका है, मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी आई हूँ। इतनी प्यारी लगी ऐसे कह लेगी ना, आपा खुद बताएं ये कोई तरीका है कि मैं लेट जाऊँ उसके बिस्तर में। मैंने कहा नहीं लेटना नहीं आ, नहीं भाई मैं पढ़ी लिखी है, मास्टर्स है, ऐसी तो नहीं, अब मैं ऐसे वैसे घर से थोड़ी। मैंने कहा तो मैंने लड़ पड़ी, फिर ठीक ठुक हो गई, लेकिन बड़ी अपनी प्रिंसिपल्स पे है वो। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, आपा देखे ना वो लोग मुझे ये कह रहे हैं, मेरी डेट यूँ है, मैं अब क्या करूँ जो पता। मैंने कहा बेटे फिर यूँ बात कर लो, यूँ कर लो कर लो। हाँ पा मैं तो ये कह दूँगी फिर, मैं तो चमन का बेटे तो कह दो, और मैंने कहा असद से कह दो, आप अब्दुल्ला से कह दो, कोई इशू है तो वो बाद में। आपा ठीक हो गया सब। मैंने कहा आपने मुझे, मैंने कहा तो आ तुम उनसे बात करो, वो बेचारे बड़े नाइस हैं इस मामले में, और वो सबकी बच्चों के साथ उनकी बड़ी है। तो खैर वो सब बच्चे बड़े अच्छे हैं, हिरा भी बड़ी सुलझी हुई अच्छी बच्ची, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा टीम हमारा। अच्छी आप लोगों की, माशाल्लाह हाँ से बहुत अच्छी टीम लगती हाँ है, सब जो भी आता है बड़ी अच्छी सुहेल बात लगती समीर है। बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए, और फरहान 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 एकदम। फरहान से तो मैं कहती हूँ फरहान, अब एक पाउडर का नाम नहीं रही, उस वॉशिंग पाउडर से मुंह धो के आते हैं आप, उजले बिल्कुल उजले हैं ना। मैं नाम नहीं ले रही, तो आए अल्लाह लगता है उससे धुले रहे हैं फलाने मतलब पाउडर से। फजीला काजी भी इतना अच्छा, पूरी फजीला टीम बहुत अच्छी सब है लोग अल्लाह माशाल्लाह का से। शुक्र है। अभी ये रिसेंटली बस जो चल रहा है, तो हया से कोई कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि भाई तुमने, आपने पूछा, माँ बेगम ने पूछा, बट इतनी बड़ी बात कि तुम्हें पता था तो तुमने किसी को भी नहीं बोला, मुर्तसम भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं कह रहा, थोड़ा ये हम क्यूरियस चीज़ें है बहुत कि सारी ऐसी हैं, देखें फ्लॉज होते ओके। हैं ड्रामों में और हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको भी पता ही होगा। मसलन अभी मैं ही कह रही थी कि मैं खुद से नाराज़ हूँ एक सीन में, कि मैंने बीच बीच में कई दफ़ा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करी थी तो कुछ कुछ मिस हुआ मुझसे, मेरी बेटी अगवा हो गई है। ये वक्त एक्चुअली हो, कई दफ़ा ऐसा भी होता है राबिया के सुबह के 4 बजे सीन हो रहा था ये वाला, जो बहुत, और सारा दिन हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ हुआ था जो भी रीजंस थे। जी अब अगर मैंने सुबह से 12 बजे से ये पलके लगाई हुई और ये छज्जा बनाया हुआ बहुत है ज़्यादा। और हार पहने हुए, और मैं बैठी हुई हूँ, और मेरा एक या दो सीन हुए हैं, कुछ भी रीजंस हो, किसी का भी कसूर हो, होते हैं सही मसले बात। मसाइल, तो मेरी एनर्जी तो 11 बजे 12 बजे ज़ीरो हो चुकी है। सही अच्छा है। मैं हूँ कुछ काफ़ी पेशेंट औरत हूँ, अदरवाइज़ मुझे लोग कहते ही हैं, मैं तो क्या, कवि साहब तो फर्स्ट आ रहे थे पेशेंस में, माशाल्लाह से और बहुत जावेद सही सेकेंड आ बात रहा था, मैं है। थर्ड आ रही थी, क्योंकि मेरा रोना निकल जाता है, लेकिन मैं चीखती नहीं हूँ ज़्यादा। मेरे तो पेट में घड़ी लगी हुई, मेरे तो ये, मेरे क्या बहरोज की भी लगी हुई है, हम सब बड़े पंक्चुअल लोग हैं, मेरे मैं तो पुराने डर के कलीग मारे हैं, टाइम से तैयार, 4:15 बजे मैं तैयार थी, तो आप देखे मेरे ना मैं सिर्फ रास्ता एग्जैक्टली में घूमी, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। सड़कें खुदी हुई थी। खैर अब अगर मैं सुबह से बैठी हूँ, मेरा एक सीन हुआ है, अब मेरी खातिरें भी हो रही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, सेवन स्काई का जवाब ही नहीं है, मतलब पैम्पर कर करके बंदे को बिगाड़ ही देते हैं, सब कुछ आराम से है, एवरी थिंग इज़ देयर, अब सीन नहीं हो रहा, कभी कुछ मसला है, कभी किसी का हो रहा है, कभी जो भी है। जब रात के 12-1 बजे वो खौफनाक मुश्किल सीन होना है, जिसमें कि मेरी बेटी भाग गई है, बहुत बड़ा सीन, और 4 बजे में चक्कर आ रहे हैं मुझे बिल्कुल, मैंने 1-2-4 दफ़ा इस प्रोजेक्ट में कहा है कि मैं गिर जाऊँगी। अच्छा और मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त चरती भी नहीं हूँ, मेरी कुछ टाइमिंग्स हैं, मैं 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ, दोपहर को खाना नहीं खाती, फ्रूट खाती हूँ ऐसे, 12 बजे तो हालत बुरी। तो मतलब आप सोचें, और मैं तो वो तो बेचारे मैं मुँह से कुछ निकालूंगी तो ला देंगे ना, लेकिन अब जब इतना क्रूशल सीन हो रहा है उसके अंदर मेरी एनर्जी जो 0 से भी नीचे जा चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये
कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जैसे नाइट टाइम है तो मेरा अटायर कुछ और होना चाहिए था, मुझे एक मैक्सी नाइटी पहननी चाहिए थी. आई डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, मैं कहती तो बना देते वो लोग, मैंने क्यों ना सोचा. तो मैं आज यमुना से सुबह बात करती, मैंने कहा यमुना मुझे तो अपने पर ही गुस्सा आ गया कि मैंने अपने वो बुंदे ना उतारे कमबख्त मारे. सबसे पहली बात ये डायरेक्टर का काम है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ब्लेम करती हूँ. मैं पहले अपनी गलती बता रही हूँ कि मुझे उस वक्त, और शुक्र है कि मैंने एक दो जगह ये किया कि सुबह फजर के टाइम जैसे मैं तस्बीह पढ़ी हूँ, और मेरा बेटा रात को जब शादी की रात चला गया है और मैंने कहा कि तुम अब आ रहे हो, मैंने कहा नहीं, मैंने ये सब उतार दिया, मेकअप हल्का किया, मैंने बुद्धे शुद्धे उतारे कम से कम इतना, चलो दुपट्टा सर पे रखा रहा सुबह घर में. ये हमारी, हम जब रियलिस्टिक काम कर चुके हैं हमें तो ये चीज़ बॉदर, किसी ने ये आज अभी तक मुझे नहीं कहा. मैं कह रही हूँ अपने आप को, मैं खुद बता रही हूँ, आपने भी ये नोटिस नहीं किया. मैं थक जाती हूँ, मैं क्या क्या बोलूँ. मुझे लोग ऑलरेडी बोलते हैं कि आपने ये नोटिस किया जो मैं अपनी गलती बता रही हूँ. लेकिन ये प्रोडक्शन की भी गलती है, ये डायरेक्टर की भी है. आपको पता है एक ज़माने में, जब वही ज़माना हमारा करोड़ साल पुराना, तो कहते थे डायरेक्टर, बल्कि मैं अंसारी साहब का ही कोट करूँगी. मैं एक ड्रामे में पता नहीं क्या था मेरा, उन्होंने कहा मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मुझे आपके ये शाइनी लिप्स नहीं चाहिए, क्लीन करें, मुंह धो के. ये डायरेक्टर होता था. अब हम खुद करते हैं क्योंकि डायरेक्टर नहीं कहीं कह सकते या नहीं कह पाते, कुछ कहते भी होंगे मुझे ये नहीं पता. तो कहने की बात यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से ब्लंडर्स हुए हैं, जिसमें से एक ब्लंडर, पहले मैंने अपनी गलती बताई है, एक ब्लंडर ये है, मुर्तसिम को उसने फ़ोन किया है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है. अरे तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो, अरे बंदूकें लो, गाड़ियां लो, तो पहुंचो उसके गांव जहां तुमने अपने नौकर को भेज दिया. एग्जैक्टली. अरे हुई मतलब, और वो फिर रहा है, बोल रहा है आराम से फिर रहा है, नहीं वो ढूंढ रहा है, फिर बात सोच रहा है, फिर अपनी बीवी को कुछ कह रहा है, फिर उसके साथ उस घर में गया जहाँ पे वो गलत काम हो रहे थे. अरे भाई वो कह रहा है मेरे पास है तुम्हारी. तो ये चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं. और मेरे ख्याल है जो कंटेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं सब चैनलों के बने हुए हैं, ये सबको देखना चाहिए. अकेला राइटर सब चीज़ें लेके नहीं चल पाता, तो उन्होंने बनाए हुए लोग, उन्होंने अपने अपने सभी चैनल्स ने बनाए हुए, तो बड़ा उसका नाम भी बड़ा है, कॉन्टेंट डिपार्टमेंट, कॉन्टेंट हेड, तो कॉन्टेंट फलाने, तो फोकस ग्रुप, तो ये चीज़ों के नाम हमने अब सुनने. तो उसमें ये उन सब के लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा तजुर्बा है. सही बात है. इसलिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई बड़ी बानो कुदसिया समझती हूँ, इसलिए कि मैं उन लोगों से ज़्यादा जानती हूँ जो आजकल अभी ड्रामा कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि ये हम अपनी अपनी गलतियों को देखें तो अच्छा है. और अच्छा, सिर्फ हैरानी की बात ये कि उस ड्रामे में और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं. डेफिनेटली बच्चों का इतना प्यारा रिलेशनशिप, दोनों ने खुद रोमांस बड़ा क्यूट, इतना प्यारा रोमांस है उनका. हाँ, लेकिन फिर ये इतनी सामने ऑब्वियस की चीज़ें जो होती हैं, जब तो आपको ना समझ नहीं आती, आप कहते हैं यार ये कैसे हो गया, यू नो. अब तो उस पर ज़रा कन्फ्यूजन होती है, और हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतना प्यारा प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें. तो उसके आगे मैं एक बात कहूँ जी, आवाम क्या कोई चूटियाँ हैं? मुझे नहीं पता, हम एडिट में रखेंगे या नहीं रखेंगे. मैं हंसी आ गई. क्या आवाम कोई चूटियाँ हैं? बस खत्म. बट आप एग्री करती हैं जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है? नहीं, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं देखा क्योंकि फ्रैंकली मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ ना इमार में केबल ही नहीं है. अच्छा, फिर यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कोई चीज़ ढूंढ के, तो ऊपर से मैं ही टिकती नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं. हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल में भी देख रही होती हूँ. तो चीज़ें देखें पॉइंट आउट करने से बेहतर होती हैं, चाहे वो मेरी अपनी. मैंने सबसे पहले अपनी गलती दोहराई है कि मुझे कोई मना कर रहा था, मैं उतारती सब, मैं बूद होती, मैं पहन लेती एक मैक्सी में नाइटी, मेरे पास घर में भी छः पड़ी हुई हैं, मुझे क्यों नहीं अकल आई? तो मुझे, मैंने अपने आप को खुद ही जस्टिफाई किया कि शायद मेरे दिमाग उस वक्त सुन हो गया था सुबह के 4 बजे. मैंने ये सोचा क्यों नहीं. मैं जब कब्रिस्तान पे गई हूँ शाहनवाज की कब्र पे, तो मैंने कहा नहीं मैं पिंक कपड़े पहनूंगी. मैंने वो सारा अपना मुंह साफ किया, मैंने झुमके बुंदे उतारे, सिर्फ दुपट्टा और शॉल रहने दी क्योंकि मैं बाहर निकल रही थी. और मैंने बाकायदा खुद ही, तो हाँ सिराज ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे अब कौन बताएगा यार, मुझे को बताने वाली बात है ये, मुझे पता होनी चाहिए. अब जैसे अब मैं तो इतनी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या करें, कितनी बातें बोलें. जैसे सो रही है हीरोइन, मेकअप किया हुआ है, सो दैट्स मतलब बहुत ज़्यादा मसला लगता है मुझे इस चीज़ से. एक्सीडेंट हुआ हुआ है लेकिन हॉस्पिटल बेड पे मेकअप के साथ हैं. आई रियली फील एंड आई फील ये चीज़ें दे टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ना. आप वो बस देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये इस तरह के जो ड्रामे हैं ना, खूबसूरत फैंटसी, बड़ा घर, माशाल्लाह इतनी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे,
चलो हमारे भी कपड़े अच्छे, हम भी सोना अच्छे ही लग रहे हैं कुछ, जो भी है, इट्स लाइक अ फैंटेसी. आई थिंक इसमें रियलिज्म ना ढूंढे. अब यहाँ चूड़ियाँ, आपने रियलिज्म ढूंढना है तो फिर और तरह का भी काम देखे. मतलब हम फिर, मैं अपने ड्रामों की बात नहीं करी, और भी बहुत अच्छे ड्रामे, मैं इसी की बात करूंगी. बीगुल के ड्रामे कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे. जफर मिराज के ड्रामे कितने अच्छे हैं, नूरुद्दशाह के ड्रामे कितने अच्छे हैं, रियलिस्टिक थे ना जी. तो हमने वो किया हुआ है ना, हमारी तकलीफ की शिद्दत का आपको अंदाजा नहीं है जिन्होंने किया हुआ है. जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब नहीं आपको अंदाजा था कि ऐसा कुछ स्क्रिप्ट में, ऐसी कुछ तो नजर आया. स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या जो भी स्क्रिप्ट हो, आजकल के जो भी स्क्रिप्ट हैं लगभग एक ही तरह के हैं. ओके.